कुछ ही देर पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चॉपर से जो है रांची के लिए रवाना। अब सवाल एक छोड़ के गए, क्या भाषण से पब्लिक का पेट भर जाएगा या भीड़ जुटाने से क्या जनता इस चीज़ को मान जाएगी कि जो आपने कहा है वो सही है। आइए हम लोग जनता जनार्दन की राय लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद एजाज अली है, मैं एक आम साधारण सा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? अविनाश कुमार महतो। जनता जनार्दन को बताइए कि अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जो इतना सारा भाषण दिया, वादा किया, सारा चीज़ किया, इससे आपको क्या लगता है कि जनता खुश है या नाराज है? देखिए, भाषण से राशन नहीं मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े लंबे समय तक, काफ़ी देर तक भाषण दिया उन्होंने, इस भाषण से किसी को लाभ नहीं होने जा रहा है। एक तरफ आप कहते हैं हमारी सरकार आपके द्वार, और आप देख रहे हैं सामने में कितनी सारी बसों में भर भर कर सरकारी कर्मचारियों को, गांव देहात से महिलाओं को, बच्चियों को भर भर कर लाया आपने भीड़ लगाने के लिए। क्या इस भीड़ को क्या मिला? इसके ज़िंदगी के कीमती वक्त आपने दिन भर का बर्बाद कर दिया। एक उम्मीद पे सारे लोग आए कि चलो मुख्यमंत्री जी कुछ देंगे, और ये तो वर्षों से ही सारी पार्टियां करती आ रही हैं, वो भी आपने किया। बड़े बड़े होर्डिंग्स आपने लिखवा दिया है, योजनाओं का नाम लिख करके, योजना का नाम होर्डिंग्स में लिख देने से योजना किसी के दरवाजे पर नहीं पहुँच सका। वाकई अगर आप योजना देना चाहते हैं तो जितने पदाधिकारी हैं आपके डिपार्टमेंट में, सारे पदाधिकारी को जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी को अगर वो निभाना शुरू कर दें, सारी योजना उनके घर तक पहुंच जाएगा। ये परेशान लोगों को देखिए अव्यवस्था आप देख लीजिए, घर पता नहीं रात में कब महिलाएं बच्चियां पहुंचेंगी। ये सब देखिए, ये सब आईवाश से कहते ना, ये आईवाश है। अब सरकार जाने वाली है, देखिए मैं किसी पार्टी की तरफदारी में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर वाकई में ये काम करते तो लोग इन्हें सराखों पर बैठाती है। मैं अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं सोची समझे साजिश है, चाहे मुख्यमंत्री जी का हो या उनका कोई पॉलिटिकल ड्राइवर हो, जिसने आज शुक्रवार के दिन ये प्रोग्राम को रखा, ये जानबूझकर रखा गया कि अल्पसंख्यक समुदाय इस योजना से दूर हो जाए, उसे ये लाभ नहीं पहुंचा जाए। जबकि चुनाव के वक्त में यही अल्पसंख्यक ने पूरा वोट दिया और यह सरकार बना है, और ये छलने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर इन वाकई गलती इनसे हुई थी, इस गलती को उनको सुधार करना चाहिए, और आने वाले दिनों में फिर से गले लगाइए लोगों को, काम दीजिए लोगों को, रोजगार दीजिए। ये बैनर और होर्डिंग से किसी को रोजगार भला होने वाला नहीं है, भाषण से भला होने वाला नहीं है। वाकई काम करने की इच्छा शक्ति होगी, वो ये तामझाम नहीं करेगा, हेलीकॉप्टर से गांव ये जिला घूमेगा नहीं, वो वाकई द्वार पे काम पहुंचा देगा। कई सारे विकलांग है, मैं देखता हूँ कि ऑफिस का चक्कर लगा रहा है, वो उसका विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। आवास आप देते हैं, क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है कि आवास में 25,000-30,000 का घुसखोरी होता है, उसके बावजूद भी मिलता है या नहीं मिल पाता है? हर डिपार्टमेंट में आपका जो व्यवस्था है, कुव्यवस्था है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, यार आप कहते हैं भ्रष्टाचार कहाँ है? भ्रष्टाचार के बिना तो कोई काम ही नहीं हो रहा। अगर हम दफ्तर में पैसा नहीं दे, घुस नहीं दे, तो मेरा काम नहीं होगा साहब। इसलिए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है तो लोगों को, गरीबों का काम हो जा रहा है, वरना वो भी परेशान होते रहेंगे। इसलिए यहाँ के मैंने कई लोगों से भी बात किया पर्सनली, लोगों ने बोला बस फलां नेता हमको बोला चलने के लिए, मैं चला आया। कोई बोला हमको वो बोला चलने के लिए चले आए कि चलो कुछ मिलेगा। और यहाँ एक अभी लेडी बता रही थी कि जो खाना हमको मिला है, लगता है रात का बना हुआ था, सब खाना में महक था, वो खाना सर हम लोग को मिला है। मतलब ये मजाक नहीं है गरीबों के साथ? आप आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, और मैक्सिमम यहाँ के मंत्री विधायक आदिवासी हैं, और आदिवासियों का, दलितों का सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है। हजारों की संख्या में महिलाओं का यहाँ से पलायन हो रहा है, यहाँ से उनको दूसरे शहरों में बेचा जा रहा है। क्या मुख्यमंत्री जी नहीं जानते हैं? सारे लोग जानते हैं, लेकिन इन लोग को सिर्फ और सिर्फ अपना गद्दी चाहिए, अपना सुख सुविधा चाहिए, गरीबों के लिए कोई सरकार नहीं। सर बहुत अफसोस के साथ ये करना पड़ा है। मैं आह्वान करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पढ़े लिखे नौजवान आगे आओ और अपने समाज को ले चलो, उसकी जिंदगी को संवारो। ईश्वर ने जन्म दिया है मनुष्य प्राणी में, मनुष्य में 184,000 योनियों में आपको सर्वोच्च बनाया है। आइए उन नौजवानों के लिए सोचिए, महिलाओं के लिए सोचिए, बेरोजगारों के लिए सोचिए, उनके लिए काम करिए। काम कीजिएगा, रास्ता बनेगा और कारवा भी बनेगा। और धनबाद का भला कीजिए, धनबाद की धरती का कर्ज उतारिए। बहुत सारी बातें करने के लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कितना कहूँ, कहता कहता थक जाऊंगा। बहुत अफसोस होता है लोगों को देखता हूँ तो। देखिये, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा कोई प्रचार कीजिए आप अपने कैमरे के माध्यम से या अपना वीडियो के माध्यम से, मैं दर्द बयान कर रहा हूँ लोगों की दर्द। अब दर्द को बयान कीजिए, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो दर्द को देख रहे हैं, नजदीक से देख रहे हैं, उस दर्द को पब्लिक के बीच में ले जाइए और नौजवानों को लाइए, बुद्धिजीवियों को लाइए, बोलिए कि चलो अपने समाज को बेहतर निर्माण के लिए चलो।
बहुत सुंदर धनबाद के निर्माण की ओर चलो और पूछिए क्या प्लान है विधायक जी, क्या प्लान है आपके मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, एमपी साहब, आपके पास क्या प्लान है धनबाद को स्वच्छ सुंदर बनाने का, बताइए आप। ये सवाल कीजिए, ये माइक उनके सामने लगाइए और उनकी जिम्मेदारी पूछिए, आपने क्या जिम्मेदारी निभाया यहाँ पर धनबाद में, इतने दिन विधायक रहे, मंत्री रहे, एमपी रहे, आपने क्या धनबाद की धरती के लिए किया, ये सवाल उनसे करने की जरूरत है। यहाँ जो पदाधिकारी आए हैं, जो सेवक बनकर के आए हैं, उनसे पूछिए कि आप यहाँ के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, ये सवाल उनसे कीजिए। मैं तो एक आम आदमी हूँ, मेरी बात का कोई वजन नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। आप उनसे बोलिए, उसको भगवान का डर दिखाइए, खौफ दिखाइए और बोलिए काम कीजिए, समाज के लिए सेवा कीजिए, लोगों की सेवा करने का मौका आपको ईश्वर ने दिया है, वो सेवा करें। सिर्फ सरकारी तनख्वाह उठा करके कई सारे लोग हैं, आपके कैमरे पे बोलना चाहे नहीं बोलना चाहे, बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग बोलते हैं कि मेरा तो तनख्वाह बिल्कुल सेफ रहता है। सोच लीजिए क्या कह रहे हैं, मेरा तनख्वाह बिल्कुल सेफ रहता है, मतलब किस तनख्वाह से आपका घर चलता है, सोच लीजिए। ऐसे ऐसे लोग पदाधिकारी आपके यहाँ है, बहुत अफसोस की बात है सर। देश को महान बनाना है तो आप जैसे पत्रकार महोदय जिनको चौथा स्तंभ कहा जाता है, आपको पहले स्तंभ में आना हो जाएगा, आना होगा, जो आज चौथे स्तंभ कहलाते हैं, कल आने वाले दिनों में लोग आपको कहना शुरू करें कि नहीं आप पहले स्तंभ में, कब कहेगा, जब आप समाज के बेहतर निर्माण में आपकी भूमिका चाहिए, ईमानदार भूमिका चाहिए, बेशक हमारा समाज बेहतर समाज बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों देखा आपने, जागरूकता इंसान में बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार जो भी चरम सीमा पे है वो दर्द बयां किसी न किसी रूप में निकल रहा है पब्लिक के मुख से। आपने अभी सुना होगा सरकार अपना प्रयास कर रही है, लेकिन शायद जनता जनार्दन तक ये पूरी बात या पूरी व्यवस्था नहीं पहुंच पा। हमारे बीच में एक ग्रामीण है जो अपनी बात को रखना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। क्या नाम हुआ सर आपका? अविनाश कुमार महतो। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहने का मतलब है कि आज इतना बड़ा जन समूह भीड़ हुआ, जो आज 23 साल में हो गया, आज यहाँ के स्थानीय लोगों के बारे में कुछ नहीं कहें, जो आज हमारा जो पहचान है पहचान करके नहीं है, जल जंगल जमीन रहते हुए भी, इतने खनिज संपदा रहते हुए यहाँ के लोग बेरोजगारी से दर दर भटक रहे हैं। आज कहने का मतलब परीक्षा दे रहा है, परीक्षा का क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब है कि परीक्षा का क्वेश्चन आउट होने का क्या कारण है, कहाँ कमजोरी है, आप उसको जांच नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से बेरोजगारों का बेरोजगारी बढ़ती जा रहा है, आत्महत्या की ओर जा रहा है लोग, जिसके कारण आज जयराम महतो की ओर अग्रसित कि अपने सरकार की कमजोरी के चलते आज करोड़ों रुपया का खर्चा हो गया, लेकिन आदमी का पता नहीं, पकड़ पकड़ के लाया गया स्कूली बच्चा को। क्या स्कूली बच्चा इस योजना के लायक है? अभी जो 18 साल से नीचे उन सब बच्चों को लाया गया, यही है। इस विराम करता हूं, जय राम, धन्यवाद। मैं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ, नमस्कार।